हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है टीपी लिंक राउटर जिसका आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, और इसे मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो हमारे पास ये खोल के आ चुका है। तो ये कुछ है अपना वाईफाई राउटर का बॉक्स, और इस पे हमारे टीपी लिंक राउटर का फ़ोटो दिया है, और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है। और जो फर्स्ट चीज़ यहाँ देखने मिलती हो तो यहाँ पे है 3 इयर्स की वारंटी जो कि आपको इसके साथ मिल रही है। और यहाँ पे ये राउटर आपको देगा 300 Mbps का स्पीड, और इसमें है आपको 2 5 dBi एंटीनास जो कि यहाँ पर है। और पीछे चलते हैं तो पीछे इस बॉक्स के लिखा है, यहाँ पे एक पावर पोर्ट है, एक वैन पोर्ट है और 4 LAN पोर्ट्स है। साथ ही यहाँ पे एक WPS और रीसेट बटन भी इन्होंने दिया है। और यहाँ पे इसके सारे फीचर्स है, जो कि पहला है क्विक एवरीडे वाईफाई जो कि इसके साथ ऑब्वियसली है। फिर ये आपको एक पर्सनलाइज सिक्योरिटी भी देता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और एक ईजी इंस्टॉलेशन मेथड भी आता है इसके साथ। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है एक राउटर के हिसाब से। तो अब इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं अंदर का इसका लुक कैसा दिखता है। तो अंदर कुछ ऐसा केसिंग से मिला है हम लोग को ये, और जो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे हम लोग को मिला है वो तो है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जो कि एक मैनुअल है, और ये तो हमें ज़रूरत नहीं इस हिसाब से। तो यहाँ पे ये हमारा टीपी लिंक का राउटर जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग दी है उसकी। तो अब इसके पीछे आते हैं तो यहाँ पे तो बताया था मैंने आपको 2 5 dBi एंटीनास है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया था एक पावर पोर्ट है, एक वैन पोर्ट है और 4 LAN पोर्ट है, और ये एक रीसेट बटन है। तो अब इसके अंदर की देखते हैं। तो यहाँ तो एक दिया है आपको पावर अडैप्टर जो कि आप इस पावर पोर्ट में फिक्स कर सकते हो। साथ में दिया है एक इथरनेट केबल जो कि आप इन 4 LAN पोर्ट्स में से किसी एक में फ़िक्स कर सकते हो, और उसे अपने गेमिंग सेटअप या फिर डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है ये, अगर आप कोई नया वाईफाई राउटर बाय कर रहे हो तो ये भी आप ले सकते हो। तो अगर आप कोई राउटर ख़रीद रहे हो तो टीपी लिंक भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।